भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? अभी टेलीविजन पूछा था अब्दुल कलाम ने, तब मैं कहो छो के भारत 2020 सुधी में एक विकसित राष्ट्र नी हरोल में आई जैसे, पर आपरा देश में लगातार बढ़ती जती वस्ती अने बेरोजगारी माटे शक्य बनशे? एनी सामे अपनी सामे सौथी मोटा बे प्रश्नो छे, भारत में एक वस्ती वधारो अने बेरोजगारी, तो शू आपरा माटे शक्य बनी सकशे? शक्य छे के आपरो देश 2020 में विकसित राष्ट्र नी हरोल में पहोंचे? तो जवाब छे डॉक्टर कलाम नो, जुओ डॉक्टर कलाम कहते हैं, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जन शिक्षा विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। क्या कहते डॉक्टर अब्दुल कलाम, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। देश को विकास था एमा स्वयं वेले विकास पोटे छे के वस्ती वधाराने रोकवा माटे नी एक अचूक औषधि એટલે દવા છે, અચૂક એટલે દુઃખ કર્યા વગર નિસર્ગ। इसमें जन शिक्षा विशेषकर स्त्री शिक्षा एमा માનવીને શિક્ષા એટલે દરેક નાગરિકને શિક્ષણ મળે, એમાં ખાસ કરીને સ્ત્રી કેળવણી પર ભાર આપેલો છે કે એમાં એ પણ જોડાયેલી છે કે કન્યા કેળવણી વધારે પડતી સ્ત્રીઓને શિક્ષિત કરવામાં આવે, કારણ કે આપણા દેશમાં સ્ત્રીઓને શિક્ષણથી થોડી વંચિત રાખવામાં આવે છે। અત્યારનો સમય બદલાયો છે, છતાં પણ હજુ ઘણા સમાજમાં એમાં ઓછું પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે। इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। जो स्त्री ने शिक्षण આપવામાં આવશે તો સ્ત્રી એજ્યુકેશન મેળવશે, એના કારણે નાનું કુટુંબ સુખી કુટુંબ જે માન્યતા છે એ માન્યતાને વેગ મળશે। તમને ખબર છે કે આપણા જે કુટુંબ નિયોજન કેન્દ્ર વાળા છે સ્લોગન મૂકે છે નાનું કુટુંબ સુખી કુટુંબ, અને હિન્દીમાં છે એના માટે છોટા પરિવાર સુખી પરિવાર। ભારત 2020 કા મિશન यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। अगर 2020 सुधी भारत ने विकसित राष्ट्रानी हरोल में ले जवानों जे मिशन छे, ए भारत ना जे युवाओं छे एने रोजगारी आपवा माटे शुं कहे छे पर्याप्त पर्याप्त मात्रा में एना अवसर प्रदान करशे, अवसर आपशे अथवा तक आपशे। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, अने ग्राम्य विस्तार में मोटी संख्या में उद्योग स्थापित करवामां आवशे। केम ग्राम्य विस्तार में भारत गामडानो बनेलो देश छे अने वधारे पड़ती प्रजा गामडामां वसे छे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे, ने जेने कारणे ते विस्तारमां रोजगारी नी वधारे तको अथवा सवलतो उपलब्ध थशे। आ एमनो जवाब आपे छे। दूसरो प्रश्न है, अर्ष मेहता कक्षा 12 तेजस हाईस्कूल बड़ोदा, बड़ोदा का एक विद्यार्थी है अर्ष, वो प्रश्न करता है, देखो क्या पूछता है अब्दुल कलाम को, आपको ऐसा क्या क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? ये प्रश्न पूछे थे तुमने, वो क्या लगे छे कि भारत 2020 सुधी में विकसित राष्ट्र की हरोल में आवी जैसे अथवा बनी जैसे? डॉक्टर कलाम कहते हैं, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है, इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के है, ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। सुसमझा रहे थे, अपना भारत देश की वस्ती 1 अरब से ज्यादा पर बढ़ा रहे थे, एवं 54 करोड़ लोगों जो युवा धन छे એટલે 25 વર્ષ થી ઓછી ઉંમર ના એ આપણા રાષ્ટ્રની તાકાત, ભારતનો જે યુવા ધન છે એને રાષ્ટ્રની તાકાત કરવામાં છે, શક્તિ કરવામાં આવે છે। ભારત કો 2020 તક વિકસિત રાષ્ટ્ર મે પરિવર્તિત કરને કે લિયે હમારે પાસ શું કહે છે કે ભારત ને 2020 સુધી માં એક વિકસિત રાષ્ટ્ર સુધી પહોંચાડવા માટે આપણી પાસે પુષ્કળ માત્રામાં કુદરતી સંસાધનો પ્રાકૃતિક એની સાથે સાથે એક
बहाना ढलाने नीति अपना गया वगर बिल्कुल पारा से सीधी जगह वही वर्क करे कार्यों से मार्गदर्शन लेना होगा। सुना जाए कि जे राजनेता हो छे एमने पोटानो कठोर परिश्रम उत्तम देखाव अने पारदर्शी वही वर्क अपना कार्यों में हो जाए कि पब्लिक ने जनता ने उठाए क्या नेता खरेखर हमारा माटे योग्य छे बराबर देखे छे कि एमने वो देखाव राजनेता करवो पड़से एमने मेहनत पर करनी पड़से सारा कार्यों पर करवा पड़से अने पारदर्शक वही वर्क पर करवो पड़से। साथी गरीबी रेखा से नीचे रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। साथे साथे गरीबी नी रेखा के नीचे जीवता लोगों से व्यापार इस बात 26 करोड़ लोगों से उत्थान इतने प्रगति अपना प्रगति माटे अपना विकास माटे पर कार्य करवा पड़ से। अगला प्रश्न है सी नंदिता सुबी तृतीय वर्ष एमजीआर इंस्टीट्यूट चेन्नई चेन्नई की कॉलेज है तृतीय वर्ष की छोकरी से नंदिता प्रश्न पूछे थे जो उसका प्रश्न है रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। जो कहते हैं रक्षा की दृष्टि है विजन एट दृष्टि 2020 ना लक्ष्य सुधी पहुंचवा माटे આપણો જે 2020 નું લક્ષ્ય છે કે ભારતને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવાનું એમાં મહિલાઓનો શું ભૂમિકા હોઈ શકે એટલે સ્ત્રી શું પોતાનો ફાળો આપી શકે જો એ શું જવાબ આપે છે डॉक्टर कलाम कहते हैं विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। शु कहते हैं 2020 अपनी दृष्टि से नजर रक्षा अनुप्रयोग रक्षा अनुप्रयोग क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिक उद्योगों ने लगती जो माहिती जेना पर विकास અભિન્ન અંગ છે વિકસિત રાષ્ટ્રની હોવામાં કે રાષ્ટ્રની સલામતી પણ હોવી જોઈએ। સશસ્ત્ર સેનાઓ મેં નિયુક્તિ કે લીધે પુરુષ ઓર મહિલાઓ કે આધાર પર કોઈ ભેદભાવ નહીં કિયા જાતા અને સશસ્ત્ર અને શસ્ત્ર સહિત જે સેનાઓમાં પસંદગી કરવામાં આવે છે એમાં મહિલા અને પુરુષ સ્ત્રી અને પુરુષ વચ્ચે કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદભાવ રાખવો જોઈએ નહીં। તીનો સેનામાં પર્યાપ્ત મહિલા અધિકારી નિયુક્ત છે અને ત્રણ સેનાના ત્રણ છે હવાઈદળ ભૂમિદળ અને નૌકાદળ એ ત્રણ દળોમાં મહિલાઓ પર્યાપ્ત પૂરતા પ્રમાણમાં પસંદગી પામેલા છે એટલે દરેક સેનામાં મહિલાનું યોગદાન છે જ। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके अब भी अपना सहयोग दे सकती है। शु कहते हैं राष्ट्रीय रक्षा क्षमता में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा माननी जे क्षमताओं बनावा मांगी छे एमा विकास करवा माटे महिलाओं उच्च स्तरीय युद्ध संबंधी जे सेना छे बहुगुणक એટલે બહુગુણી જે ઉપકરણો છે ઉપકરણ એટલે સાધન પર કાર્ય કરીને એમાં પણ પોતાનો એનો ફાળો આપી શકે છે। સામાન્ય યુદ્ધ સંબંધી જે સેના છે એમાં જે ઉપકરણો છે એના ઉપર સંશોધન કરીને કામ કરીને પણ પોતાનો ફાળો આપી શકે છે। અગલા પ્રશ્ન હે જોધપુર ડોળે પર ડોક્ટર કલામ સે એક બચ્ચે દ્વારા પૂછા ગયા પ્રશ્ન જોધપુર ડોળે પર એટલે જ્યારે અબ્દુલ કલામ જોધપુર જાય છે ત્યાં મીટિંગમાં ત્યાં એક વિદ્યાર્થી અમને પ્રશ્ન પૂછે છે क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते। शु कहते हैं यहाँ जो खास व्यक्तियों ने बोलावामां आवे छे अने जयारे आवे छे एना पर आपणे बिनजरूरी खर्चो करीए छे तेने ना अटकावी सकीए। डॉक्टर कलाम कहते हैं तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीजों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भी भविष्य में नहीं होंगे। डॉक्टर कलाम शु कहे छे तमे आ मंच पर मोटी खुर्शी पहला जोई हशे हवे अत्यारे तमने खुर्शी देखाई छे एवी ज रीते बिन जरूरी जे उत्पादन थाय छे चीजों एना उपर बिन जरूरी खर्चो करवामां आवे भविष्य में नहीं थाय। અનાવશ્યક એટલે બિનજરૂરી અનુત્પાદક જે ઉત્પાદન એટલે જે આપણને ફાયદો ના એવી બિનજરૂરી વસ્તુ
खर्चो भविष्य में थाय नही आना प्रश्न था विद्यार्थियों साथ ना बराबर एक अपना वार्तालाप संवाद अपने जो तो तमने मृत्यु दिए अब्दुल कलाम 27 જુલાઈ 2015 ના દિવસે ફંક્શન માં પ્રોગ્રામ માં ને ત્યાં પ્રવચન આપતા હતા અને એને આવે છે અને પછી મૃત્યુ પામે છે તેમનું મૃત્યુ છે 27 જુલાઈ 2015 ડોક્ટર અબ્દુલ કલામ નો અને જન્મ તારીખ મેં તમને ગઈકાલે પણ બતાવી હતી વિડિયો શરૂ કરતા પહેલા પણ કહ્યું બેટા યાદ રાખજો બરાબર છે આ આપણો લેસન અહીંયા પૂરો થાય છે તમને જે વર્ક કરવાનું છે સજે વર્ક चर्चा करीशु। ओके तो अहीं आपणो पीरियड ने पूर्ण विराम करू छूं।